हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रमेश राज फिर से एक न्यू वीडियो में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम जंगली आलू का सब्जी बनाने जा रहे हैं और वो भी दिखाएंगे बना के कि हम लोग कैसे बनाते हैं। तो चलिए देखिए देखिए, इधर चावल बन रहा है और इधर जंगली कांदा का सब्जी बनेगा। देखिए इसको अच्छा तरह से साफ सुथरा एकदम अच्छा कर रही है। और ये देखिए आधा यहाँ आधा काट के रख चुकी है और यहाँ सूप में भी है अभी। देखिए भात बन के हम लोग का तैयार है एकदम, बहुत ही फ्रेश भात एकदम। दोस्तों देख सकते हैं जंगल से कांदा लाए, वो अच्छा तरह से साफ सुथरा एकदम करके और रख दिए हैं। और यहाँ देखिए प्याज भुजा रहा है अभी, और देखिए मसाला वसाला सब यहाँ तैयार करके रखे हैं। ये है टमाटर लाल वाला गोल गोल, और अभी भुना गया डालू डालू जल जाएगा तो खराब हो जाएगा। हाँ देखिए चटर पटर अभी बन रहा है, बारिश भी हो रहा है पूरा। देखिए बादल भगना बादल है एकदम। देखिए देखिए काटने के लिए अरे छोड़ गया इतना आ रहा है रे तुम लोग रे, यहाँ बारिश में हम लोग का यहाँ पूरा झोपड़ी भिज रहा है एकदम। देखिए इधर चारों तरफ गीला हो गया एकदम। देखिए इधर फिर भी यहाँ बैठ के खाना बना रहे हैं, पेट भरना है ना, भूख लग रहा है इसलिए बनाना पड़ रहा है, नहीं तो नहीं बनाते। दूसरा जगह है भी नहीं तो उधर बनाएंगे, और भी बचा हुआ था थोड़ा थोड़ा सा। ओ आलू मिक्स कर रहा है, आलू है आलू, थोड़ा सा आलू डाल देंगे उसमें, मिक्स सब्जी अच्छा लगता है। देखिए कैसा सेंट आ रहा है एकदम स्वादिष्ट, बहुत मस्त। तुम लोग भी खाएगा क्या रे, डुंडरू डुंडरू गर्मा गर्म अभी मिलेगा। देखो इधर सब खाद में मेरा घुस गया एकदम, सब बच्चा सब मेरा। ये आग नहीं जल रहा है, थोड़ा फूटते हैं। हाय रे चूल्हा असारो में टोपी वाले फूट चूल्हा, आग जल गया। चला रहे हैं दोस्तों एकदम, बच्चे स्टार्ट हो गया है एकदम, बहुत एकदम टाइट हो गया खाली। तो यहाँ रखते हैं गर्मा गर्म, अभी पूरा तो जल गया था। वो इधर काफी लाल बाबू एक गिर गया, और इधर है उसको धोना पड़ेगा, थोड़ा सा धो के डालेंगे जिससे गांडा के नहीं जलना चाहिए। थोड़ा कढ़ाई हम लोग का छोटा हो गया है, देख रहा है हम लोग के लिए छोटा हो गया, थोड़ा बड़ा वाला कढ़ाई लाएंगे अगर मेला में खरीदेंगे। अभी पैसा थोड़ा अभी कमी है, इस समय से कहीं से जुगाड़ करेंगे पैसा, कहीं काम करना होगा। हाँ देखिए अब टमाटर डलाएगा, अब कैसा टेस्टी बनता है। देखिए जंगली कांदा का सब्जी, जंगली आलू है इसको हम लोग बोलते हैं टेटिया देहाती भाषा में। तो ये मसाला डालिए, नमक उमक डालिए, अभी नमक नहीं डाले थे इसमें। चटर पटर खुशबू बहुत अच्छा आ रहा है, लेकिन मस्त इतना टेस्ट आ रहा है ना खाने के लगने। क्या खुशबू है, हल्दी डला रहा है। देखिए कलर एकदम कैसा, एकदम मस्त कलर, पीला पीला हो जाएगा अभी। देखिए वाह क्या सब्जी बना,
हाँ देखिए मसाला उसाला डाल रहे एकदम पूरा, देखिए पानी भी डाला गया थोड़ा, देखिए वाह बहुत ही मस्त है। अब इसमें थाली का खाएगा थोड़ा, और थोड़ा पानी डाल रही है। चलिए हो गया हम लोग का सब्जी तैयार, अब इसमें पानी पानी लेकिन ज़्यादा हो गया, ज़्यादा नहीं, ये सीझेगा अच्छा तरह से, बहुत हार्ड होता है ये सब जंगली आलू ना, बहुत हार्ड होता है ये, पूरा पानी अभी सोख जाएगा, इतना आग जलाएंगे ना, देखिए आग कैसा लहर रहा है एकदम, देखिए अभी पानी भी है पूरा फुल, लेकिन ये पूरा ख़त्म हो जाएगा तब इसको उतारेंगे, देखिए देख सकते हैं थाली एकदम पूरा ढक दिए हैं। देखिए हम लोग चूल्हा के सामने हम लोग बैठे हुए हैं, हम लोग को अब ठंड लग रहा है, पूरा बारिश आ रहा है इसलिए, और इधर देखिए नेहा कुमारी को जाना था स्कूल पर, यहाँ के बच रही है बारिश के कारण भी अभी नहीं जा पाई है, और इधर देखिए संदीप है, ये भी स्कूल लगता है अभी नहीं जा पाएगा। सब्जी हो गया तैयार, देखिए भात के साथ में हम लोग खाएंगे शान शान के, हम लोग का देहाती खाना ना है, देखिए देहाती सब्जी हम लोग कैसे बनाते हैं, हम लोग क्योंकि खाने में बहुत मज़ा आता है, सेंट भी इतना अच्छा रहा है कि कहना नहीं। चलिए उतारिए, और अभी उन लोग साथ में जो गए थे उन लोग को भी खिलाएंगे, देखिए आग पूरा एकदम लहर रहा है, देहाती चूल्हा देखिए। दोस्तों आनंद को बुलाए हैं तो देखिए खाना निकाल रहे हैं, देखिए इधर खड़ा है, देखिए गुड मॉर्निंग, खाना निकाल दिया, अब निकालते हैं। दोस्तों खाना निकाल लिए, अब देख सकते हैं अब हम लोग खाना खाएंगे बैठ के, चलो बैठो। दोस्तों खाना अब निकाल लिए है, और देखिए एकदम आलू का कंदा बैठ चुका है खाने के लिए, खा के देखते हैं। हाँ देखिए कैसा बना है एकदम, कैसा लगा? बहुत ही मस्त लगा। हाँ तो ये जंगली आलू है, हम लोग देहाती में टटिया बोलते हैं इसको। खा देखते हैं अब, हाँ जैसा सेंट आ रहा था वैसा खाने में भी टेस्ट लगा, मजा आ गया। कैसा लगा भाते? एकदम एक नंबर हो। सेंट बनाने का समय ही इतना स्वादिष्ट आ रहा था कि हमको तो लग रहा था कि उसी समय खाएं, लेकिन हम सोचे कि साथ में तो एकदम पूरा जादू है। साथ में गए थे इसलिए सोचे कि नहीं बुला लेते हैं, एक ही जगह बनाए हैं इसीलिए बुला तो लिए, ज्यादा नहीं मिला था। ज्यादा नहीं मिला था। खाना खा लिया, अब धोने जा रहे हैं। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, और चैनल में जो नए होंगे वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय बाय दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, और आ गया सूरज पुंगड़ू।